नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला में आज थाना अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर यहां पर सामाजिक कार्यकर्ता चिंटू सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे धरना देने। एक दिवसीय धरना का पहले ही उन्होंने आह्वान किया था। मधुबनी के नगर थाना अध्यक्ष के खिलाफ बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता रविन्द्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समर्थकों ने थाना अध्यक्ष और मधुबनी एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी है। मौके पर हुई सभा को संबोधित करते हुए रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको आगे इंटरव्यू में सुनाएंगे। मधुबनी के नगर थाना अध्यक्ष के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आईजी से धरना देने वालों की हुई वार्ता, न्याय दिलाने का भी उन्होंने दिया है अब आश्वासन। जब हम आईजी कार्यालय पहुंचे उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने कहा कि हम इस पे विश्वास नहीं रखते हैं। बाइट देने पर अगर आप जो सामने जो चिंटू सिंह है उनसे ही पूछ लीजिए कि वो संतुष्ट है कि नहीं। जो काम है, जो कार्रवाई है वो हम करेंगे, उन्होंने कहा है। लेकिन आईजी साहब साफ साफ मना कर दिए कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हम सिर्फ काम पर विश्वास रखते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। देखने की बात है कि जो ये युवक हैं जिनको यहाँ फंसाया गया है यहाँ पर फर्जी केस में, उनको अब न्याय मिलता है कि नहीं, ये बड़ी बात है। देख सकते हैं आईजी कार्यालय के समक्ष से निकलते हुए जो चिंटू सिंह है उनके साथ यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता बेनीपुर, बिरौल, बहुत सारे से जगहों से ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बता दें कि जो कार्यालय के समक्ष आप लोग यहाँ आए हुए थे और मुलाकात हुई है, किन बातों को लेकर उनसे बातें हुई हैं और क्या निकला अभी तक? ये मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 164/2022, मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 164/21 और लूट कांड जो हुई थी, बैंक लूट कांड 319/2021, इस संदर्भ में आज हम लोग आईजी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे थे, जिसमें अभी हम लोगों ने आईजी साहब से मिला। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस लड़के को 164/22 में निर्दोष करके टिप्पणी निकाले और थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की बात कही है, एसपी को निर्देश दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, अगर चिंटू जी इस कांड की बात करें, इसमें क्या पूरा मामला क्या हुआ था? देखिए, ये मामला है कि नगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार जो अपराधी छवि का है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से अपराधियों को वो संरक्षण देता है और निर्दोष को फंसाता है। इसी क्रम में समस्तीपुर में भी कई घटना को घटित किया अमित कुमार ने, और जब मधुबनी ट्रांसफ़र हुआ तो मधुबनी में भी बहुत बड़ी वारदात हुई, बैंक लूटकांड हुई, उसमें आज तक उद्भेदन नहीं हो पाया। 10 करोड़ के गबन का मामला था, उसमें अभियुक्त को लाभ पहुँचाया गया। अभी जो है एक निर्दोष नाबालिग जो विकास यादव मेरे बगल में खड़े हैं, वह लॉज में रहकर पढ़ाई करता था, प्लास्टिक का खिलौना का जो बंदूक था उसके आधार पर झूठा आंसक में जेल भेज दिया गया और पैसे की डिमांड की गई थी जो नहीं दे पाया, और नाबालिग को बालिग करके जो है उसको जेल भेजा गया। इसी तरह 164/21 में भी बार बार घटना करता है और इसको मिस्टेक कर दिया जाता है, बड़े पदाधिकारी को यह बताया जाता है कि मिस्टेक में धरफरी में कार्रवाई हो, तो धरफरी में कार्रवाई नहीं होती है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में धरफरी उनको नहीं लगता होता है, लेकिन निर्दोष को पकड़ने में वो धरफरी कर देते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? आपके लगातार मांग करते रहने पर ही एक खासकर अमित कुमार को अभी लाइन हाजिर किया गया है, ये खबर आ रही थी आपके माध्यम से। मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 101/2021 का मुद्दा मैं बहुत दिनों से उठा रहा था, जिसमें डीजीपी साहब ने संज्ञान में लिया और कार्रवाई हुई, और डीजीपी साहब के संज्ञान लेने के वजह से कई बड़े पदाधिकारी कुपित हैं हमसे, क्योंकि उनके संज्ञान में रहते हुए क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी जो है इस स्तर के, मधुबनी हो चाहे दरभंगा के, इसलिए कुपित है कि उनके मामले को लेकर मैं डीजीपी तक पहुँच जाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच जाता हूँ, जिसको लेकर इन लोगों पर भी जो है पूछताछ जारी किया जाता है, कई लोगों को गृह विभाग से भी नोटिस जारी किया गया। तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो डीएसपी हो, एसपी हो, आईजी हो, सबके लिए कानून बराबर है। जो कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी आईजी सर से बात करके क्या लगा आपको, कि मतलब उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 164/2022 में निर्दोष करके पर्यवेक्षण टिप्पणी निकाले। आप संतुष्ट हैं इस? नहीं, संतुष्ट नहीं। और जो आदमी निर्दोष में जेल चला गया, ऐसे लोगों पर 182/2 क्यों नहीं चलाएंगे? उनका कैरियर सबके लिए बराबर है, उनका कैरियर चौपट हो गया, कैरियर को बर्बाद कर दिया गया, और एक का कैरियर ने बर्बाद किया, सैकड़ों विकास यादव ऐसे नौजवानों का कैरियर अमित कुमार ने बर्बाद कर दिया। आप क्या चाहते हैं अमित कुमार के लिए, अभी तो कार्रवाई की लड़ाई लड़ेंगे, इस मामले की लड़ाई को लड़ेंगे। विकास यादव निर्दोष में गया है, गोलू मंडल निर्दोष में जेल गया है,
तो जिस तरह निर्दोष में जेल गया है तो धारा 182-211 चलाना चाहिए थाना अध्यक्ष पर, कार्रवाई होनी चाहिए। आपका मतलब घटना क्या हुआ था और अभी तक आपके लिए क्या न्याय मतलब हुआ है? सर हॉस्टल में ले रह के पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, एक लाइटर गन मंगाए थे जो कि फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, स्वतंत्रता दिवस के दिवस पे देशभक्ति के लिए मंगाए थे, कॉन्स्टेंट एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो शूट करने के लिए बस ये फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। और अमित कुमार रूम पे आए, छापामारी करे, मेरे रूम पे लाइटर गन पकड़ा, हम बोले सर ये लाइटर गन है, तब पर भी सर नहीं माने, हमको थाना पे ले गए और सर हम बताए अपनी एज 17 साल है, मतलब नाबालिग है, तब पर भी ये बालिग करके हमको जेल भेज दिया, पैसे की भी डिमांड की, 1,00,000 रुपये डिमांड किया, हम नहीं दे पाए तो हमको जेल भेज दिया। मतलब वो कैसे बालिग आपको साबित कर दिया वहाँ पर? हमको बोले कि कितने साल के हो, हम बोले सर 17 साल हुआ है, तो आधार कार्ड जी का आधार कार्ड में 17 साल थे, तो बोलना कि 18 साल है, 17 साल नहीं बोला, 18 साल बोला, ये सब कहते हैं। बोले कि पैसे मतलब 1,00,000 रुपये की डिमांड की, 1,00,000 रुपये मंगवा दो घर से, बात करो तो यहीं पर छोड़ देंगे थाना पर, तो नहीं कर पाए तो हमको जेल भेज दिया गया। आप क्या करते हैं अभी फिलहाल? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? पिताजी? पिताजी नहीं, नहीं है पिताजी। तो आप मतलब क्या ऐसे नाटक करते थे कहीं पर या स्कूल कॉलेज में या क्या करते थे? एक यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे देशभक्ति, एक ही बनाए थे जी सर। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस के देशभक्ति के लिए। हाँ, तो ये गन जो है लाइटर कहाँ पे मिलता है? ये फ्लिपकार्ट में मिलता है। फ्लिपकार्ट में दुकान में भी मिलता है, खिलौने की दुकान। अच्छा, तो आपको जेल भेज दिया गया, तो न्याय की बात कौन कर रहे हैं आपके लिए? रविन्द्रनाथ सिंह है जो कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं, नाना जी है और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। आपके थाना क्षेत्र में ये अमित कुमार कभी किसी और के साथ ऐसा घटना किया है क्या? एक लड़का है बसवारा का, उसके साथ भी 64/21/2021 में किया थे, वो भी लाइटर गन था, उनको भी फंसाया गया था, लूटपाट मतलब झूठा आम सेक लगा दिया, मेरे साथ भी झूठा आम सेक लगा, उनके साथ भी झूठा, उनको भी जेल रहा था, तीन महीना जेल रहा वो। अभी तक लगा कि अमित कुमार ऐसा क्यों करते हैं? अमित कुमार निर्दोष को फंसा रहे हैं और उनके साथ माफिया से मिले हुए माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में करते हैं, क्राइम को सब बढ़ावा दे रहे हैं और निर्दोष को फंसा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। गांव का नाम? पंडोल थाना। पंडोल थाना है और प्रखंड पंडोल है। वार्ड? घटना हुआ है ये काफी जघन्य घटना है और बिल्कुल ही गलत घटना है, क्योंकि एक निर्दोष जो पढ़ने वाले छात्र हैं और होनहार छात्र हैं, उस होनहार छात्र को जो है एक भ्रष्ट पदाधिकारी जो थाना प्रभारी है, मधुबनी नगर थाना के थाना प्रभारी, उनका पुराना इतिहास भी, जैसा कि मुझे जानकारी है, उनका पुराना इतिहास भी जो है काफ़ी खराब रहा है और भ्रष्टाचारियों को और क्रिमिनल को जो है संरक्षण देने का वो काम करते थे। इससे पहले रोसड़ा में भी थे तो उनका वही हाल था, मधुबनी में भी कई ऐसे कांड अंकित है जिसमें भ्रष्टाचार का जो आरोप था, तो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो है वो आपस में मिली भगत करके जो है अपराधियों को संरक्षण देते थे। जैसा कि चिंटू भैया सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आपको पूरा डिटेल, इस लड़ाई को लड़ते हैं समाज के हित में और जो गलत होता है उस गलत का विरोध करते हैं, तो बाकी सब बात तो ये बता ही दिए हैं। लेकिन ये कहना है कि एक निर्दोष जो ये विकास छात्र है, पढ़ने वाला लड़का है, बेचारा गरीब घर से है, तो कम से कम इनके साथ जो भी हुआ है गलत, तो इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी भ्रष्ट पदाधिकारी जो है, थानेदार जो है, उनकी बर्खास्तगी होना चाहिए। इसलिए मैं एक समाज के हित के कारण भैया के जो है सो मतलब संरक्षण में जो है भैया के बातों पे, क्योंकि समाज के हित में काम है, इसलिए मैं बेनीपुर से चल करके इस धरना में आकर के शामिल हुआ हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा आशीष रंजन दास उर्फ बीपी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? शामिल हुए हैं, धरना का कार्यक्रम था, उस केस के बिंदु पर एक निर्दोष लड़का को, जो पढ़ने वाला लड़का था, उसको जानबूझ करके पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जेल भेज दिया गया, उसके कलेक्टर के साथ व्यवहार किया गया है। पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है, सब पदाधिकारी लिप्त नहीं है, कुछ ऐसे लोग पुलिस विभाग में आ गए हैं जिनको इंडियन पेनल कोड की जानकारी नहीं है, CRPC क्या है उसकी जानकारी नहीं है, वरीय पदाधिकारी जो पर्यवेक्षणकर्ता होते हैं बैठे बैठे पर्यवेक्षण करते हैं। अभी हमने IG साहब के पास गए थे, उन्होंने SP साहब को फ़ोन लगा के हमारे सामने में उनको बताया है कि आप पर्यवेक्षण करता है, जब आपको मालूम हो गया कि ये 2G गन है तो आपने प्रतिवेदन 2 निकाल के इसको मुक्त क्यों नहीं किया? उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि उनको प्रतिवेदन निकाल करके इस केस को खोज करके हमें सूचित करें, यही हम लोगों का भी मांग था। लेकिन हम लोगों का मांग और ये है, ये भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी है, अगर ये प्रतिवेदन 2 निकल जाता है, निर्दोष साबित हो भी जाते हैं, इनके ऊपर 182-211 के तहत मुकदमा दर्ज करके सेम धारा में जो धारा इन पर लगाया गया है वही धारा के तहत उनको गिरफ्तारी करके जेल भेजे। क्या नाम हुआ आपका? यही हम लोगों का मूल मांग है, अगर ये मांग नहीं मानी गई तो प्रतिवेदन निकलने के बाद भी हम लोग इनको इस मैटर को हाईकोर्ट में ले जाकर रिट फाइल करेंगे और इसे भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मांग हम लोग न्यायालय से भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पीछे जाइए, थाना प्रभारी का यह कर्तव्य बनता है कि किसी तरह रुपया कमाओ, उसका यह मकसद नहीं है किसी के साथ इंसाफ करना, उसका
का मकसद है कि रुपया कमाओ और लूटो, और ऐसे लूट करके वह किसी गद्दार आदमी के साथ कंसल्ट करता है, उसको रुपया देता है, ये अपनों कमाता है खाता है, यही उसका धंधा है। थाना का दलाली आपका कौन है, ये कौन है आपके साथ? यह मेरा नाती है। नाती है, इसका पिता का निधन होने के बाद चार भाई है, तो इनको मैं अपने यहाँ रखा और इन लोगों का पढ़ाना लिखना। तो इनको जांच किया या नहीं किया, सीधे जेल भेज दिया? कुछ नहीं, जेल भेज दिया सीधे। अच्छा, कोई जांच नहीं किया, हमने वकील को रख करके और दिए कि यह खिलौना है और इस आधार पर पकड़ के ले आए हैं, कृपया इसकी जांच कराइए, इनको जमानत दीजिए। तो आप तो इससे पहले ही जो ही देखे तो CGM साहब तुरंत मोबाइल निकाल के देखते हैं कि ये तो खिलौना है, वो ये तो वीडियो बनाता था, इसमें काहे इसको एड्रेस, तुरंत उस पर स्पष्टीकरण मांगे गए कि अपने सहित अपने इस लड़का को खिलौना में जो फाइल नहीं करता है उसमें आप कैसे अरेस्ट कर लिए, इसलिए आप अपने सही थाना प्रभारी के साथ अति जिला पदाधिकारी के साथ अन्य SP के साथ उपस्थित होकर के सदैव उपस्थित हो गए, अब जवाब दिया है कि नहीं अभी तक नहीं कर सकते। ये सेना के लिए भी कोई तैयारी कर रहा था? सेना के नहीं, वो इंटरव्यू वगैरह पढ़ने के लिए जो है ना, जैसे कि डिप्लोमा वगैरह ये सब अच्छा नंबर है, इसलिए हम इसको कहे कि डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में कहते कुछ करो, चौपट कर दिया। आपका नाम क्या हुआ? रामदेव यादव।